नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो राजस्थान में। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और हम नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष दीदी भर्ती परीक्षा का हुआ आयोजन। 259 अभ्यर्थियों ने लिया भाग। संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइंस का रखा गया खास ख्याल। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान में उनके सचिव व रोजगार सेवक पर घोटाला करने का लगाया आरोप। मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा गया शिकायती ज्ञापन। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने किया मॉक ड्रिल। पुलिस व प्रशासन के तुरंत रिस्पॉन्स का मूल्यांकन करने में रहे जुटे। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लाखों की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन उनके ही अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी जनता के द्वारा चुने गए ग्राम प्रधान व उनके सचिव योजना के माध्यम से घोटाले करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल जनपद मैनपुरी के विकास खंड कुरावली क्षेत्र के ग्राम पंचायत ज्योति देहात में देखने को मिला, जहाँ ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी को एक शिकायती ज्ञापन सौंप कर ग्राम प्रधान व उनके सचिव रोजगार सेवक पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा योजना के अंतर्गत घोटाला कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने 27 जुलाई 2020 को शपथ पत्र लगाकर शिकायत की थी, जिसकी जांच अभी तक गांव में नहीं पहुंची, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। चंद्रप्रकाश जी, कौन सी ग्राम सभा है आपकी? अच्छा, छतारी। अच्छा, कभी नरेगा के अंतर्गत काम करने गए आप? हम तो गए थे 2020 में। अच्छा, 2020 ही चल रही है अभी? अरे 19 में। 19 में गए थे? अरे अब काम धंधों का तो चिनाई करते हैं। अच्छा, चिनाई करते हो? हाँ, लेकिन हमें चोट लग गई, फिर हम कम ही ना गए। अच्छा, तो कितने दिनों तक काम किया होगा आपने? हमने रेखा देवी, आप किस गांव की रहने वाली हैं? अच्छा, कभी क्या नरेगा योजना के अंतर्गत आपने काम किया कहीं जाके? आपके नाम भुगतान डाला गया है और निकाला भी गया है, तो कैसे निकल गया, कहाँ, कोई जानकारी है आपको? नहीं, तो मुझे तो कुछ जानकारी नहीं। आप कभी नहीं काम करने गए? आपके पति क्या करते हैं? पीआरडी में। घटना नोएडा से है, जहां सेक्टर 58 क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के दौरान युवक से मोबाइल लूट कर भाग गए दो बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गोली लग गई। दरअसल ये गोली अनिल राजपूत की रिवॉल्वर से लगी है। समाजवादी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी से सरकार के करवाए गए विकास कार्य के विषय में खास बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना के नाम पर देश को लूटने का काम किया है। साथ ही कहा कि जिला संभल की बात करें तो सड़कों के हालात गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, जो वाहन चालकों को काफी परेशान करते हैं और आज दिन ही खराब होते हैं। एक तरफ तो कोरोना का कहर, दूसरी तरफ सरकार के किए गए वादे झूठे साबित दिखाई दे रहे हैं, जिससे जनता में काफी रोष फैला हुआ है। साथ ही कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं ने लोग गांव के दौरान जनता के बीच जाकर जनता का हाल जाना और समाज सेविका का भी काम किया। वहीं भाजपा सरकार के मुखिया के किए गए वादे और केंद्र सरकार के किए गए वादे कागज कार्रवाई तक ही सीमित नजर आए। किसान सम्मान योजना या फिर गड्ढा मुक्त कराने की बात, अवैध कब्जा मुक्त कराने की बात, देश में खुशियां की बात कही थी, लेकिन सरकार द्वारा कुछ सब कुछ उल्टा किया गया, देश को लूट लिया गया है। मेरा नाम मोहम्मद सलमान मलिक है। ये रोड की क्या स्थिति है? सर, ये रोड की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, दिन भर धूल उड़ती रहती है। मेरे कपड़ों का शोरूम है, इस वजह से कस्टमर नहीं आ पाते। यहाँ पर आए दिन टेम्पो पलटते रहते हैं और बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। आए दिन गाड़ी फंसना, ये सर करीब 2-2.5 साल तो रोड ऐसी है। लुप्त होती जा रही है लोक कला और लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद और श्री सदगुरु सेवा संस्था की ओर से आयोजित संजा बनाओ सज्जा सजाओ प्रतियोगिता के ब्लॉक स्तरीय परिणाम जारी हुए। गौरतलब है कि श्राद्ध पक्ष में जहां पहले कुमारी बालिकाएं गोबर से सज्जा बनाती थी और माटी में रचे बसे गीत गाती थी, वहीं अब शहरी क्षेत्रों में तो लगभग सज्जा बनाने का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लेकिन जिले के कई गाँवों में आज भी सज्जा बनाई जाती है। इसे लुप्त होती जा रही लोक कला को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद व सदगुरु सेवा संस्था की ओर से सज्जा बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। अकलेरा ब्लॉक प्रभारी अध्यापिका राजेश कुमारी शर्मा ने बताया कि अकलेरा ब्लॉक से प्रतियोगिता में 47 बालिकाएं नामांकित हुई थी। प्रतियोगिता में अकलेरा ब्लॉक से सज्जा बनाओ सज्जा सजाओ प्रतियोगिता में जय शर्मा पुत्री संजय शर्मा, द्वितीय स्थान ज्योति टेलर पुत्री मुकेश टेलर और तृतीय स्थान पर किरण मेहर पुत्री भगवान सिंह ने प्राप्त। झालावाड़ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। राजकीय पीजी कॉलेज झालावाड़ को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसमें 259 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की गई। तो वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइंस का भी विशेष ख्याल रखा गया। बिना मास्क के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जयपुर राजधानी के कानोता थाना क्षेत्र का मामला, एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने सामूहिक की हत्या की। कानोता थाना इलाके के जामडोली की घटना है। माता पिता और 2 बच्चों ने की सामूहिक आत्महत्या। अब सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और साथ ही FSL को भी बुलाया गया। मौके पर बुलाने के बाद शव को नीचे उतारकर JNU हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कानोता मामले के मृतक अलवर के रहने वाले हैं और कई साल से वहां रह रहे हैं। वो पहले जयपुर आए हैं, जौहरी का व्यवसाय करते थे। इस घटना के बाद अलवर से सराफा व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी है और घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बेहाल है। परिजनों ने आला अधिकारियों से और जांच करने की गुहार लगाई है। क्षेत्र के जामडोली में राधिका विहार में आज एक सराफा व्यवसायी के परिवार सहित 4 लोगों के शव मकान में उनके खुद के घर में मिले हैं। अभी फिलहाल जो प्राथमिक तौर पे जो सामने आया है, उस ये मूल का अलवर के रहने वाले थे। करीब 5 वर्षों से यहाँ जयपुर में सराफा का काम कर रहे थे और फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पैसे के लेन देन और कर्जे के कारण आत्महत्या किया जाना प्रतीत होता है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। सर, लगातार महीने भर से 3 लोग, अज्ञात लोग यहाँ पे चक्कर काट रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को क्या सूचना नहीं थी और उनके कारण क्या इन्होंने आत्महत्या की? नहीं, ऐसी कोई सूचना पुलिस को नहीं थी और अभी ये अनुसंधान का विषय इसके बारे में। सर, जो बॉडी मिली है उनमें 1 या 2 बच्चे जो लड़के हैं उनके पांव बंधे हुए हैं। झालावाड़ जिले के ड्रग SHO बनालाल चौधरी ने ताश पत्तों पर जुआ खेलते 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 37,120 रुपए की नकदी और 3 बाइक बरामद की गई है। ड्रग SHO बनालाल चौधरी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिंधु के निर्देश अनुसार जिले में चल रहे अवैध सट्टे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत ड्रग पुलिस ने दुधालिया के समीप कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को धर दबोचा। उनके पास से 37,120 रुपए की नकदी और 3 बाइक बरामद की गई है। कल दिनांक को देर रात्रि हमने दुधालिया के पास में से MP के रहवासी लोगों को ताश पत्ती पर जुआ सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 37,120 रुपए बरामद किया है। इस प्रकार की कार्रवाइयां लगातार भी जारी रहेंगी। जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 332 करोड़ रुपए की सौगात मिलने के साथ ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। मरवाही उपचुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के 2 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बघेल और पूर्व जिला पंचायत सदस्य छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष बूंद कंवर, दोनों ने इसे अपना ही घर वापसी को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले को मिलने वाली सौगात के ठीक पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। दोनों को जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने गमछा पहनाकर कांग्रेस प्रवेश करवाया। इस मौके पर महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि मेरा जोगी परिवार से संबंध यथावत बना रहेगा, पर मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी, इसलिए मेरा घर वापसी ही माना जाएगा। कि हमको जिला बना है तो जिला जैसे हमको विकास चाहिए। जैसे अभी घोषणा हो रही है और काम भी दिख रहे हैं, जैसे हमारे मरवाही में एक्सरे मशीन लग गया है और जिला अस्पताल में डायलिसिस के मशीन लग गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो विकास की कार्य हो रही है उसको देख करके मुझे लगा कि मुझे भी। भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। वहीं दूसरी ओर 17 सितंबर 2020 को कुछ नया ही देखने को मिला। देश के नवयुवक 17 सितंबर को माननीय नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह को नवयुवक बेरोजगारी दिवस मनाते हुए नजर आए। काफी ज्यादा गुस्सा आए नवयुवक, क्योंकि उनका कहना था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले जो वादे किए उन वादों पर खरा नहीं उतरे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करोड़ों बेरोजगार को रोजगार देंगे और नई नई तकनीक लाएंगे, क्योंकि हमारे देश के भविष्य नवयुवक बेरोजगार हैं। तो लेकिन यहाँ में सब उल्टा ही नजर आ रहा है। रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन लिया गया है, उनसे भी रोजगार छीन लिया, करोड़ों नौकरियां एवं वैकेंसी को भी निरस्त कर दिया गया है और साथ ही साथ 1 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकलेगी। साथ ही प्राइवेट कंपनियों को यह भी बोल दिया गया है कि कोई भर्ती नहीं होगी। इस दुविधा को लेकर छात्र संगठन NSUI और
और नगर के देश के युवक को सड़क पर आकर बेरोजगारी दिवस मनाना पड़ा। देश में करोड़ों युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पूरी भाजपा इनको बहुत हर्षोल्लास से मना रही है, लेकिन हम NSY के कार्यकर्ता इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी ने शासन में आने से पहले करोड़ों रोजगार देने का वादा किया था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत युवाओं के रोजगार को छीना गया और मोदी सरकार का भी फरमान जारी हुआ है कि एक भी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं ली जाएगी और प्राइवेट सेक्टरों को मना किया गया है कि आप किसी को नौकरी ना दें। बस्ती क्षेत्र के कानोता क्षेत्र में 52 फुट हनुमान मंदिर के सामने गोकुल धाम विकास समिति के अध्यक्ष अशोक मीना बबलू करौली व सरपंच पद के प्रत्याशी के द्वारा कॉलोनी में मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई, जिसमें समिति मंत्री लक्ष्मण गुरुजी, नरेंद्र तिवारी, पवन धाकड़, बाबूलाल वर्मा, गोलू बाबूलाल खारवाल, सीताराम आदि मौजूद रहे। स्थानीय निवासी बबलू करौली का कहना है कि मंदिर में शिव जी, हनुमान जी व गणेश जी की अन्य मूर्तियां भी स्थापित की गई है। खुशियां कब मातम में बदल जाए इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही एक मामला महोबा जिले में सामने आया, जहां बच्ची का जन्मदिन मनाने गए प्रसिद्ध सूर्य मंदिर गए मत्स्य विभाग कर्मी तालाब में डूब गया, जिससे परिजनों व स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए आनंद फानंद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता के आकस्मिक निधन से खुशियां मातम में बदल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वो गए थे पिकनिक मनाने के लिए, छोटी बच्ची का बर्थडे था और वहां तालाब में उतरे थे तो वहां पे डूब गए। हम लोग वहीं थे, हम लोग सारे लोग मतलब परिवार के लोग पिकनिक मनाने गए थे। निगासन कोतवाली क्षेत्र के दौलतापुर गांव में एक महिला पर तेजाब डालने का मामला सामने आया। दरअसल युवक महिला के साथ दुष्कर्म करना चाहता था, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो आरोपी ने महिला पर तेजाब डाल दिया, जिससे महिला पूरी तरह से झुलस गई। वहीं मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी महिला के परिवार से है, पीड़िता का रिश्ते में देवर लगता है। साथ ही मामले को लेकर महिला ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया, वहीं जिसे लेकर पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। लखीमपुर गोला रोड पे लालपुर के पास चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे उसमें बैठे लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते देखते कार आग का गोला बन गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना के 1.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों का कहना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। झालावाड़ के पनवाड़ कस्बे से निकल रही हरीश चंद सागर परियोजना की नहर में काली सिंध नदी से बहकर आए मगरमच्छों ने इस समय धान के खेतों में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। रात में आवारा जानवरों की रखवाली करने वाले किसानों में मगरमच्छों के कारण भय का माहौल बना हुआ है। झालावाड़ जिले में आंतरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन की तुरंत रिस्पॉन्स को परखने के लिए प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके तहत पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना भिजवाई गई कि जिले के मंडावर थाना क्षेत्र की बागेरी घाटी इलाके में एक बस पलट गई। मामले की जानकारी मिलते ही झालावाड़ ASP डॉक्टर किरण सिद्धू, AASP राजेश यादव समेत मंडावर थाना पुलिस एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची। जहां जाने के बाद घटना की वास्तविक स्थिति का पता लगने पर सभी ने राहत की सांस ली। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारी सारे मामले में मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस व प्रशासन के तुरंत रिस्पॉन्स का मूल्यांकन करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, तब तक लिए देखते रहिए अपनो राजस्थान।